बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल, आप देख रहे हैं मौसम खबर। आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे तमाम पहलुओं पर जो मौसम से जुड़ी हुई हैं, जिनमें विशेषकर सर्दी, कोहरा और बारिश के साथ साथ तमाम जगह वायु की गुणवत्ता, इन सभी पहलुओं पर होगी चर्चा। फिलहाल शुरुआत करेंगे पांच बड़ी खबरों के साथ। आइए देखते हैं आपके स्क्रीन पर सबसे पहली खबर आ रही है गांगे पश्चिम बंगाल से, जहां कहीं कहीं चलेंगी शीतलहर। आगे बढ़ते हैं अगली खबर का रुख अरुणाचल प्रदेश से, जहां छिटपुट हिस्सों में होगी बर्फबारी। अगली खबर का रुख करते हैं मध्य महाराष्ट्र से आ रही है, जहां इक्का दुक्का जगह हो सकती है बरसात। अगली खबर का रुख करेंगे विदर्भ से आ रही है, जहां बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के आसार हैं। आगे बढ़ेंगे अगली खबर का रुख राजस्थान से आ रही है, जहां गिने चुने इलाकों में चलेगी शीतलहर। तो ये पांच बड़ी खबरें जिनसे कि हमने बुलेटिन की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं कि सर्द अपडेट क्या कह रहा है। भारतवर्ष का नक्शा अब आपके स्क्रीन पर नजर आएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग जो है रंगों से दर्शाया जाएगा। इसमें राजस्थान और यदि हम गांगे पश्चिम बंगाल को देखें तो ये पीले रंग से दर्शाए गए हैं। इन दोनों ही जगह जो है नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर शीतलहर की शीतलहर का जो प्रकोप है वो पड़ने की संभावना है। विदर्भ की बात करें तो वहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है, बारिश भी हो सकती है हल्की फुल्की। इसीलिए इन सभी जगह जो है नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो बाकी आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं वहाँ कोई चेतावनी नहीं है। आगे बढ़ेंगे मौसम का पूर्वानुमान देख लेते हैं कि अगले दो दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से, गिलगित, लद्दाख, श्रीनगर, लेह, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें तो इन उत्तरी राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना अगले दो दिनों में नज़र नहीं आ रही है, जैसा कि समय हम अभी फिलहाल अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सभी इन उत्तरी राज्यों में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान इन सभी राज्यों का अगले दो दिनों के लिए जो हमने अभी देखा। आगे बढ़ेंगे हम और अब इसके बाद रुख करते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूरे नॉर्थ ईस्ट का, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम का। तो यहाँ पर भी बारिश का फिलहाल कोई पूर्वानुमान नज़र नहीं आ रहा है। इसमें भी अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी राज्य शामिल हैं। तो इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान इन सभी राज्यों का। दक्षिण का रुख करते हैं तेलंगाना की बात करें, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि तमिलनाडु की बात करें, पुडुचेरी, केरल, कर्नाटका, भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा के इलाकों की, तो यहाँ पर बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इस प्रकार का दक्षिणी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का मौसम का पूर्वानुमान अगले दो दिनों का। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन जगहों पर, इन राज्यों में, इन इलाकों में कहें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में फिलहाल और कोंकण और गोवा में भी बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये इन जगहों का अगले दो दिनों का पूर्वानुमान था। मौसम की चाल देखते हैं, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटे में बहुत ज़्यादा कोहरा और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं दर्ज की गई हैं। पंजाब में भी कुछ इसी प्रकार का मौसम जो है दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में का जो मौसम रहा है उसकी यहाँ पर हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं मौसम की चाल में, जो इस समय नज़र आ रहा है आपके स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे हम और अब मौसम की चाल में और आगे देखते हैं ओडिशा की बात करें, यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। मेघालय की बात करें, अरुणाचल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, मेघालय की, तो इन सभी राज्यों में जो है पिछले 24 घंटे में बारिश दर्ज की गई है, जैसा कि इस समय आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम रुकेंगे अपने इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। हैप्पी बर्थडे माय डियर। अरे ये क्या? एप्सिलॉन, मेरी नई स्कूटी के लिए। ओ, बनो से आनी, नहीं तो पैसों पे फिर जाएगा पानी। मतलब सुनो, ऑनलाइन लर्निंग एप्स को जांच परख कर RBI अधिकृत बैंक NBFC से ही आप लोन लीजिए। अनाधिकृत एप्स या अनजान लोगों से निजी जानकारी शेयर करना यानी धोखा। दादू बन गई सियानी, गिफ्ट नहीं खोलेंगे। RBI कहता है इनसे सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे मौसम खबर में और अब बात करते हैं इस सेगमेंट में, बात करेंगे हम तापमान के हाल की। अधिकतम और न्यूनतम तापमान हम इसमें जानते हैं तमाम शहरों का, लेकिन शुरुआत करेंगे हम न्यूनतम तापमान से। देखते हैं तापमान का हाल, आपके स्क्रीन पर आप देखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। शुरुआत करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश से, जहां पर न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं भीतरी कर्नाटका, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो इन सभी जगह जो है न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कच्छ, सौराष्ट्र और दमनदीव की, तो इन इलाकों में जो न्यूनतम तापमान रहा है वो 24 घंटे की बात करें तो सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब गुजरात की बात करें, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और गोवा के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और न्यूनतम तापमान में अब देखते हैं, आपके स्क्रीन पर पूर्वी राजस्थान का सीकर शहर दिखाई दे रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटे में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 2.7 डिग्री सेल्सियस है, सबसे ठंडी जगह कह सकते हैं। तो ये रहा न्यूनतम तापमान और अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली की बात करें तो इन इलाकों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम अब बात करते हैं बिहार, मेघालय और असम की, तो इन तीनों ही राज्यों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब झारखंड और ओडिशा की बात करें तो इन दोनों ही राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे और अब रायलसीमा के इलाके की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये फिलहाल अभी हम अधिकतम तापमान की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब तटीय कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम और अब अधिकतम तापमान में रायल सीमा का कर्नूल शहर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है तापमान, जो कि सर्वाधिक है पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसी के साथ अब हम यहाँ पर एक ग्राफिक के जरिए तमाम शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का भी हाल देखेंगे, आइए जानते हैं। तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल, ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061।
देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आगे बढ़ेंगे हम अपने इस बुलेटिन मौसम खबर में और अब इस सेगमेंट में सबसे पहले बात करते हैं AQI की, यानी कि वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। तमाम शहरों को हम यहां पर लेकर आते हैं, वायु की गुणवत्ता क्या कह रही है, आइए देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले राजधानी दिल्ली से। 234 यहां पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे हम, दिल्ली के बाद अगला शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां पर 173 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, संतोषजनक स्थिति में है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं, पटना 232 यहां पर दर्ज की गई है सूचकांक पर वायु की गुणवत्ता, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं अगले शहर का रुख, बेंगलुरु, जहां पर 86 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, अगला शहर है पुणे, जहां पर 176 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे अगले शहर का रुख, हैदराबाद की वायु गुणवत्ता 152, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ेंगे और अब कोलकाता की बात करें, 234 यहां पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई, जहां पर 249 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। और अहमदाबाद की बात करें तो 103 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। तो ये वायु की गुणवत्ता अभी आपने देखी। आगे बढ़ेंगे हम और अब पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं। शनिवार रविवार को मौसम साफ नजर आ रहा है, हालांकि सोमवार और मंगलवार को हल्की बद्दी छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 10 से 12 के बीच रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान -4 तक जा सकता है, जो कि सोमवार को -2 और मंगलवार को -3 होता हुआ नजर आ रहा है। तो पर्यटन की दृष्टि से आप देख सकते हैं कि ये अनुकूल मौसम श्रीनगर का। आगे बढ़ेंगे, अगला शहर है राजधानी दिल्ली, तो यहाँ पर शनिवार और रविवार को मौसम साफ नजर आ रहा है, सोमवार मंगलवार को हल्की बदली, अधिकतम तापमान 23 से 25 के बीच और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 6 से 8 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान राजधानी दिल्ली का है। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान में, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज की बात करते हैं। शनिवार रविवार को बहुत ज़्यादा बदली छाई हुई है, जबकि सोमवार को हल्की बदली और मंगलवार को बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 से 27 के बीच बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री 12 डिग्री रविवार को, जबकि सोमवार और मंगलवार को 15 डिग्री होने की भी गुंजाइश है। कुछ इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है प्रयागराज का। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें, शनिवार को मौसम साफ है, उसके बाद रविवार से लेकर मंगलवार तक जो है देखा जा सकता है कि हल्की बदली छाई रह सकती है। अधिकतम तापमान 11 डिग्री पर नियत है, जबकि मंगलवार को 12 होने की संभावना और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री पर है शनिवार को, उसके बाद रविवार से मंगलवार तक 3 डिग्री पर नियत नजर आ रहा है। इस प्रकार का दार्जिलिंग का पर्यटन पूर्वानुमान, पर्यटन की दृष्टि से इसे अनुकूल कहा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला शहर है नागालैंड का कोहिमा, तो यहाँ पर शनिवार और रविवार को धुंध छाई हुई है, सोमवार और मंगलवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना। अधिकतम तापमान 15 डिग्री पर नियत बना हुआ है शनिवार से लेकर मंगलवार तक, वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान, जो कि एक ठंडे प्रदेश में हमें उम्मीद रहती है। आगे बढ़ेंगे पर्यटन पूर्वानुमान में, अगले शहर का रुख करते हैं। ये अभी आपने देखा कोहिमा का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की, तो यहाँ पर शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन धुंध छाई रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से लेकर 34 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो शनिवार को 23 है, रविवार को 22 और उसके बाद 20 डिग्री तक रहने की संभावना है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान जो हम इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं विजयवाड़ा का। आगे बढ़ेंगे, अगले शहर का रुख करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में, देखते हैं केरल के कोट्टायम की बात करेंगे। शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन धूप खिली रहने की संभावना, मौसम साफ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री पर नियत बना हुआ है चारों ही दिन, जबकि न्यूनतम तापमान 24-25 के आसपास बने रहने की संभावना है। ये है कोट्टायम का पर्यटन पूर्वानुमान जो इस समय आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। आगे बढ़ेंगे हम और पर्यटन पूर्वानुमान में तमाम शहरों को हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की, तो यहाँ पर शनिवार और रविवार को हल्की बदली छाई रहने की संभावना, जबकि सोमवार और मंगलवार को मौसम साफ नजर आ रहा है, धूप खिलने की संभावना,
प्रबल है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री शनिवार को, फिर 29 और फिर 28 होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 शनिवार को, फिर रविवार को 19, तो इस प्रकार से 18 सोमवार को, तो 18 से 16 के बीच रहने की संभावना। आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, यहाँ पर शनिवार रविवार को बदली छाई रहने की संभावना है, धुंध नजर आ रही है। सोमवार मंगलवार को हल्की बदली की गुंजाइश है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 22 से लेकर 25 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 7 और 9 के आसपास नजर आ रहा है, जबकि सोमवार और मंगलवार को 11-12 डिग्री पर भी ये आ सकता है। इस प्रकार का खजुराहो का पर्यटन पूर्वानुमान है जो इस समय हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला शहर है राजस्थान का जोधपुर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शनिवार रविवार को मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, जबकि सोमवार को हल्की बदली और मंगलवार को फिर से मौसम साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अधिकतम तापमान 26-25 और फिर 24-25 के आसपास, तो कह सकते हैं कि 24 से 26 के बीच बने रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इस प्रकार का जोधपुर का पर्यटन पूर्वानुमान है जो इस समय हम देख रहे हैं। तो ये हमने बात की पर्यटन पूर्वानुमान की, और अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला सेगमेंट हम लेकर आते हैं आपके लिए खेती किसानी, जिसमें आज हम बुआई और कटाई पर विशेष केंद्रित अपनी रिपोर्ट लेकर आए हैं। इस समय जो है विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, और यदि जो वैज्ञानिक सलाह है उसको यदि हम ध्यान से सुनते समझते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो उससे क्या लाभ होगा कि आपका जो नुकसान है वो एक तो काबू रहेगा और प्रॉफिट होने की जो गुंजाइश है, जो लाभ होने की गुंजाइश है वो बनी रहेगी। ऐसी हमारी बुआई और कटाई पर आधारित आज की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। किसान लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं, साथ ही बैगन की बुआई करें, यहाँ टमाटर की बुआई कर लें, वहीं खीरे की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। अभी लौकी की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें, गेहूं के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें, यहीं के किसान लहसुन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहें। उत्तराखंड में आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं, वहां मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें, इस समय गन्ने की कटाई करें। हरियाणा में सरसों की कटाई कर लें, सरसों के लिए जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान भिंडी की बुआई करें, वहीं मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। अभी गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। हरियाणा में गन्ने की कटाई कर लें, गन्ने में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट जो बुवाई और कटाई पर केंद्रित थी। अब आगे बढ़ेंगे, और चूंकि वर्तमान समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में किस प्रकार अपनी फसल को आप सुरक्षित रख सकते हैं, आज भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे से हमारे सहयोगी जो हैं एक्सपर्ट डॉक्टर आशा लटवाल जी, जो कि वहाँ वैज्ञानिक हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, अपने विचार रखेंगी, आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं, आइए सुनते हैं। राजस्थान में सरसों, गेहूं, मटर, धनिया, आलू, टमाटर, चना और बैंगन में उपलब्धता के अनुसार हल्की सिंचाई करें अथवा 0.1% सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का छिड़काव करें। पंजाब में गेहूं, बरसीम, गन्ना तथा आलू की फसल को शीतलहर से बचाने के लिए फसल में हल्की सिंचाई की व्यवस्था करें। मध्य प्रदेश में खड़ी फसलों को ठंड से बचाव हेतु हल्की सिंचाई प्रदान की जा सकती है। उत्तराखंड में परिपक्व तोरियां और गन्ने की कटाई को जारी रखें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की रोपाई तथा पत्ता गोभी की बुआई करने की सलाह दी जाती है। बिहार में परिपक्व तोरियां और सरसों की कटाई का कार्य करें। साथ ही भिंडी, कद्दू, तुरई और करेला जैसी ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। झारखंड में खड़ी फसलों और सब्जियों में निश्चित अंतराल पर सिंचाई का कार्य करें। उड़ीसा में धान एवं गन्ने की रोपाई तथा तिल और टमाटर की बुआई का कार्य जारी रखें। असम में परिपक्व सरसों की कटाई करें, साथ ही मूंग, उड़द एवं भिंडी की बुआई भी की जा सकती है। तमिलनाडु में परिपक्व सांबा धान, दालों और बाजरा की कटाई का कार्य पूर्ण कर लें। केरल में काली मिर्च की कटाई तथा रामदाना और लोबिया की बुआई जारी रखें। नए रबर के पौधों को तेज धूप से बचाने के लिए नारियल के पत्तों का प्रयोग करें। आंध्र प्रदेश में परिपक्व चना, उड़द और मूंग की कटाई करें।
तटीय कर्नाटक में परिपक्व धान की कटाई का कार्य जारी रखें। गुजरात में परिपक्व अरहर की कटाई जारी रखें। साथ ही ग्रीष्मकालीन तिल, तोरई, लौकी, करेला और तरबूज की बुआई करें। महाराष्ट्र राज्य में रबी फसलों जैसे कि गेहूं, चना, सूरजमुखी आदि में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। तो ये सुना आपने डॉक्टर आशा लटवाल को, उनके विचार किस प्रकार से आप अपने तमाम जगहों को उन्होंने सम्मिलित किया। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की फसल। टमाटर आप सभी जानते हैं हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है। पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती होती है और इसमें लाइकोपिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। साथ ही साथ अभी फिलहाल वर्तमान समय की यदि बात करें तो कहीं कहीं इसकी नर्सरी बोई जा रही है तो कहीं पर रुपाई की जा रही है। आइए देखते हैं टमाटर पर आधारित हमारी रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने टमाटर पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमारे सभी कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। DD किसान चैनल के नाम से हमारा आधिकारिक चैनल है। इस समय आपके स्क्रीन पर एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप स्कैन करें और सरलता के साथ हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर आप देख पाएंगे। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।